जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 3 मई को दुलदुला विपतपुर में सुगा कोना के रहने वाले युवक मेल प्रकाश तिर्की पर उसके ही रिश्तेदार और परिवार के दर्जनों लोगों ने एक साथ लाठी डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। उससे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। एसडीओपी मनीष कुंवर ने बताया कि मृतक मेल प्रकाश तिर्की 15 अप्रैल को अपने चचेरे भाई प्रभु सहाय तिर्की को झारखंड सुगा कोना ले गया था। अगले दिन 16 अप्रैल को मृतक मेल प्रकाश तो सुगा कोना से वापस गांव आ गया, लेकिन प्रभु सहाय साथ में नहीं लौटा। जब उसके घर वालों ने मृतक से पूछा कि प्रभु सहाय कहाँ है और क्यों नहीं आया, तो उसने गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि वहां उसे बिना बताए कहीं चला गया है। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी जब वहां नहीं मिला तो 1 मई को गांव के लोग मृतक मेल प्रकाश के घर आ गए और उसे पीटते पीटते झारखंड सुगा कोना ले गए। लेकिन इस बीच पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उस दिन मृतक को बचा लिया गया। लेकिन जब मृतक पुनः अपने गाँव विपतपुर सुगा कोना लौट आया तो गांव के लोग बौखला गए और उस पर लाठी डंडे के साथ टूट पड़े और उसकी मौत हो गई। दुलदुआ पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सुगा कोना के रहने वाले हैं और मृतक के रिश्तेदार हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए 7 लोग वो हैं जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी। इन लोग हुकुम दे दिया हमारा भाई मारने की, मार के खत्म करो। कितने लोग थे वो लोग? लोग 5 आदमी लोग हुकुम दे दिया, नहीं तो हमारा भाई है और कहा कि इसको मार के खत्म करो। आपके बेटा को? हाँ। क्या नाम है उसका? हेरमा सर जॉर्ज दोनों बात बेटा है। तो आपके सामने मारते रहे? हाँ, घर ही में सामने। आप बचाने के प्रयास नहीं किए? अरे उन लोग पी के एकदम और भी बहुत थे। हाँ, कैसे हो सर? ये दुलदुला थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो गई है जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। पूरा मामला क्या है सर और ये कब की घटना है? थाना दुलदुला क्षेत्र में 3 मई को विपतपुर निवासी मनोहर तिर्की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गांव के लगभग 7 लोग मिल करके उनके बेटे मेल प्रकाश तिर्की की हत्या की है और जिस पर से पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 302, 506 तथा 34 IPC का अपराध पंजीकृत किया था और इस मामले की तस्दीक की गई। घटना विवरण इस प्रकार है कि 15 अप्रैल को मृतक मेल प्रकाश तिर्की अपने चचेरे भाई प्रभु तिर्की के साथ पहाड़ कोना अपनी बुआ के घर झारखंड गया था, जहाँ से प्रभु तिर्की अचानक कहीं गायब हो गया था। जिस पर से प्रभु तिर्की के घर वाले मृतक के ऊपर ये शंका जाहिर करते थे कि इसने किसी घटना को कारित किया है और वो बच्चा गायब हुआ है और यही रंजिश वर्ष जो है 3 मई को मृतक के घर ये पहुँचे थे और मृतक से 7 लोग मिल करके इन लोगों ने पूछताछ किया था, लाठी डंडे से मारपीट करके उसकी हत्या कारित की।